opposing assembly election has taken place. We have contested, we have spent. लोकसभा चुनाव से बिग ब्रेकिंग। अब लोकसभा चुनाव के साथ हिमाचल के विधानसभा चुनाव भी होंगे। हिमाचल की 6 विधानसभा सीटों के लिए होंगे उपचुनाव। चुनाव आयोग के अनुसार 26 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होंगे। इसमें हिमाचल प्रदेश की 6 सीटें भी शामिल है। हिमाचल प्रदेश की कुल 4 लोकसभा सीटों के लिए 7वें चरण में चुनाव होगा। इसके साथ ही कांग्रेस के बागी 6 विधायकों के लिए अयोग्य घोषित किए जाने से खाली हुई विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव भी होगा। इसकी घोषणा चुनाव आयोग द्वारा आज कर दी गई है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने 8वीं लोकसभा के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। हिमाचल प्रदेश की कुल 4 लोकसभा सीटों के लिए 7वें चरण में चुनाव होगा। इसके साथ ही कांग्रेस के बागी 6 विधायकों के अयोग्य घोषित किए जाने से खाली हुई विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव भी होगा। चुनाव आयोग के शेड्यूल के अनुसार हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों शिमला, मंडी, कांगड़ा व हमीरपुर के लिए 7 मई को अधिसूचना गजट में प्रकाशित होगी। 14 मई तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। 15 मई को नामांकन पत्रों की छटनी होगी। 17 मई को नामांकन वापसी होगी। 1 जून यानी कि शनिवार को मतदान होगा और 4 जून को नतीजे घोषित होंगे। इसी शेड्यूल के तहत 6 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होगा। धर्मशाला, लाहौल स्पीति, सुजानपुर, बड़सर, गगरेट, कुटलहड़ विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होंगे। पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा, दूसरा चरण 26 अप्रैल, तीसरा 7 मई, चौथा 13 मई, पांचवा चरण 20 मई, छठा चरण 25 मई और सातवां चरण 1 जून को होगा।